नमस्कार। सो आज 10 अक्टूबर हो गई है और जैसा कि हम जानते हैं कि जो एमसीसी का ऑफिशियल नोटिस आया था उसके हिसाब से तो कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी चाहिए। मेरी गट फील कहती है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद कल से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वो रिलीज करने से पहले 3-4 चीज़ें हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स ब्रोशर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर निकालना होता है एमसीसी को, जो निकालना एक कंपल्सरी है वो अभी तक नहीं आया है, तो शायद कल ना हो, भाई एक दो दिन डिले हो सकता है। मोटा मोटी देखिए उन्होंने डेट्स बता दी हैं, उसके हिसाब से पूरा शेड्यूल बता दिया है, लेकिन हाँ कल पक्का स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, वी आर नॉट श्योर। एमसीसी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आप जिनका भी अब तक स्टेट्स का आया आपने देखा होगा, चाहे पंजाब, तमिलनाडु, केरला, एवरीबडी हैज़ टू रिलीज अ ब्रोशर ना, कि भाई आप रजिस्ट्रेशन से पहले आपको पता तो हो क्या रूल है, क्या इस साल के रूल हैं, एग्जिट क्लॉजेस क्या हैं, तो वो अभी तक नहीं आया है। आज वेट कर रहा हूँ मैं, और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले बना चुके हैं, मुझे मालूम है कि यूट्यूब ने उसको ऊपर नहीं दिखाता है, तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो हर साल सेम वीडियोस बनाते हैं ताकि वो ऊपर रैंक आएँ और आप लोगों तक पहुँचे। शायद मेरे पास इतना समय नहीं है या मैं उस पर ध्यान नहीं देता, तो मैं हमेशा कहता हूँ जो थोड़े बहुत दर्शक मेरा श्रोता मेरा चैनल सुनते हैं कि आप चैनल को सर्च करेंगे तो आपको तकरीबन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं तभी सर एक नई चीज़ बनाता हूँ तो एमसीसी की काउंसलिंग कैसे होती है, डीम्ड और प्राइवेट में क्या फ़र्क है, इसके बहुत लंबे लंबे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, तो दोबारा बनाने में मेरे को मोटिवेशन नहीं आता। हाँ लेकिन यूट्यूब नए वीडियो को ही ऊपर दिखाता है तो उस वजह से शायद आप लोग मेरे पास तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं ताकि बाकी लोगों तक भी बात पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है तभी आप सुन रहे हैं। तो दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि आप सबसे मैं वो इल्तिजा करूंगा कि खासकर जो ऑल इंडिया कोटा के एस्पिरेंट्स हैं, देखिए ऑल इंडिया कोटा अक्रॉस इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होते हैं, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं। तो ये ना 4 साल पहले हमने पहली बार लिस्ट बनाई क्योंकि मुझे पता चला कि लोग बेचारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में भर देते हैं प्रायोरिटी लिस्ट, तो एक से लेके तकरीबन 300 सरकारी कॉलेज पार हो चुके हैं, और ये रूल सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में लागू नहीं होता, ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू स्टेट में भी होता है। एग्जाम्पल है तो नॉर्थ इंडिया का बच्चा है, वो जनरली क्या करता है, चलो दिल्ली तो हमने कर दिया, ऐसा करते हैं सारे यूपी के कर देते हैं। अब यूपी के जो 10 कॉलेज जो 2021 में खोले गए थे और कुछ कॉलेज जो उससे थोड़े साल पहले खोले थे 2021 वालों में, तो अभी तो दीवारें भी खड़ी नहीं हुई हैं, तो आप क्या अगर इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं कि आपको उस लेवल का कॉलेज मिल रहा है तो क्या आप उस कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे जिसकी अभी दीवारें भी नहीं बनी है, या आप उस कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे जो 20 साल 25 साल पुराना है, राइट, जिसकी एक रेपुटेशन है, एलुमनाई नेटवर्क है। अभी मैं बात करूँ सिर्फ कॉलेज की क्वालिटी की, देखिए सरकारी कॉलेज जहाँ भी खुलेगा, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ पेशेंट इन्फ्लो तो होगा अदर देन हिमाचल और मे बी उत्तराखंड, क्योंकि बाकी जितने ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सरकारी कॉलेज हैं, वो खोले वहीं जाते हैं जहाँ पर बहुत आबादी होती है, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जनरली सरकारी कॉलेज में इज नॉट अ क्राइटेरिया, वो मिल जाएंगे आपको, लेकिन उन सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्लासेस लग रही है कि नहीं लग रही हैं, फैकल्टी आती है कि नहीं आती है, एक ओवरऑल पढ़ाई का कल्चर है कि नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात। दूसरा मैंने कहा कि कॉलेज कितना पुराना है, कई लोगों ने ये फैक्टर पता नहीं होता, मैं समझाता हूँ क्यों होता है। देखिए 5 साल बाद 10 साल बाद ना हमेशा ये रहता है कि मैं फलाना कॉलेज से पढ़ाऊँ, देखिए सीनियर डॉक्टर है 50 साल के, वो अपने ज़माने में PGMS रोहतक से पढ़े हुए हैं, वो अपने ज़माने में KMU लखनऊ से पढ़े हुए हैं, तो उनका ना हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उन बच्चों के लिए जो नए डॉक्टर बन के आ रहे हैं जो मेरे कॉलेज से हैं, तो इसको हम ये कहते हैं एल्मा मीटर, मतलब अपने कॉलेज से ना एक लगाव रहता है जिंदगी भर का, तो आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, अच्छा होगा कि आप उस कॉलेज में जाते हैं जो पुराना कॉलेज है। मैं बाबा कह रहा हूँ इफ एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, तो पेशेंट फ्लो तो हो ही गया, बेसिक इंफ्रा हो गया सरकारी के मामले में, और तीसरा थोड़ा सा ये फैक्टर रहता है कि पुराना जितना कॉलेज है उतना आपका एलुमनाई नेटवर्क होगा, ये तो 3 एक कॉमन क्राइटेरिया हो गए। फीस भी हो सकता है, लेकिन देखिए फीस सरकारी की 20,000 से लेकर 1,00,000 तक की वैरी करती है, तो बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट फिर 5वां 6ठा 7वां फैक्टर आता है जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्विस बॉन्ड, किसी स्टेट्स में 1 साल का बॉन्ड है, किसी स्टेट में 2 साल का बॉन्ड है जो आपको MBBS के बाद सर्विस करनी होती है, हरियाणा जैसे स्टेट में तो 7 साल का बॉन्ड आ गया था, बॉन्ड तोड़ते हो तो अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट है, हरियाणा में 40 लाख का अमाउंट है, कहीं 10 लाख का है, कहीं 5 लाख का है, इसको हम सर्विस बॉन्ड कहते हैं। लीव सीट डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड अक्सर सरकारी में लागू नहीं होता पर कुछ बच्चों के लिए होता है, और मेरे पास एक बड़ा अच्छा कस्टमर था लास्ट ईयर, सोचिए जिनको दिल्ली का IP यूनिवर्सिटी मिला था, और उनका यह था कि नहीं सर मुझे NDMC कॉलेज मिला और मैं चाहता हूँ और मेरा बच्चा भी चाहता है कि
कि वो अगले साल लेडी हार्डिंग या मौलाना उस तरह के कॉलेज में पहुंचे, तो हमें वो सरकारी कॉलेज चाहिए जिसमें हम एक साल बाद भी छोड़ पाएं। तो कुछ सरकारी कॉलेजों में सीट डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है, मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है, 25 लाख रुपए, कई स्टेट्स में 5 लाख है, दिल्ली में जैसे 3 लाख ही है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता सरकारी कॉलेजेस के लिए, कोई छोड़ता नहीं है अक्सर, अल्लाह संटेला आपको उस एस्पिरेशन की है कि आपको इस समय अपनी पसंद का 200 नंबर वाला कॉलेज मिला और आप टॉप 5 चाहते थे, करेक्ट, तभी आप छोड़ोगे सरकारी कॉलेज। ऑफकोर्स मैं बार बार कहता हूँ प्राइवेट या डीम्ड में तो भाई पूरी फीस पे करनी पड़ेगी एक बार आप घुस गए, तो वहां पर तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया आप अगले साल दोबारा तैयारी करके सरकारी में चले भी जाओ पूरी फीस पे करनी पड़ेगी कोर्स की, तो सरकार प्राइवेट या डीम्ड में जाने से पहले इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखिए। तो एक सर्विस बॉन्ड हो गया, सीट डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हो गया, ये दो बॉन्ड बड़े फैक्टर होते हैं। इसके अलावा मैंने बोला कि अदर देन दी पुराना ऑफ कॉलेज द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जब ऑल इंडिया कोटा की लिस्ट भरे ना आंख बंद करके मत भरिया कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि मेरे कई हिमाचल के क्लाइंट होते हैं तो हिमाचल का एक भी कॉलेज नहीं भरते इंक्लूडिंग IGMC शिमला, मैंने खुद देखे मैं सारे हिमाचल के कॉलेजेस, शिमला और टांडा के अलावा बाकी 4 कॉलेज तो ऐसे लगते हैं कि हॉस्पिटल ऐसे लगते हैं कि वहां कोई है ही नहीं। शिमला में भी आप ये समझिए इस लाइक अ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ आउटसाइड दिल्ली, जो भीड़ होती है वहां पे, और टांडा में भी ना के बराबर होती है। तो कई जो हिमाचल से 680 नंबर लाने वाले होते हैं वो कहते हैं जी ऑल इंडिया कोटा से ना हमें हिमाचल के भारी सीट दिला दो, मतलब उत्तराखंड का कोई अच्छा कॉलेज है, यूपी का अगर उन्हें लखनऊ मिल रहा है या GVM कानपुर मिल रहा है या कासना मिल रहा है या इलाहाबाद वाला मिल रहा है, दे विल प्रेफर दैट। तो कीप दिस इन माइंड, अपनी स्टेट में पढ़ने से ज्यादा क्वालिटी पे हमेशा ध्यान रखिए। डेफिनेटली हरियाणा के बच्चे आजकल बॉन्ड को देखने लगे हैं, PGMS होते की तो खैर बात अलग ही है, लेकिन हम मेवाती को छोड़ देते हैं, कल्पना चावला को छोड़ देते हैं और कोशिश करते हैं वहां जाने की जहां 40 लाख का बॉन्ड ना हो। तो ये सब फैक्टर मद्देनजर में होते हैं। और हमने वो कहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज के क्लाइंट होते हैं अदर देन दी काउंसलिंग स्ट्रेटजी, हम उनको ये पूरी लिस्ट भी देते हैं 1-300 तक की प्रायोरिटी वाइज की, आप आंख बंद करके डाल सकते हैं कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, क्वालिटी ऑफ द कॉलेज फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव्स कंबाइंड टुगेदर, क्वालिटी भी देखी गई है, इंफ्रा भी देखा गया है, पेशेंट, और बड़ी मेहनत से लिस्ट बनाई गई है, बहुत सारे डॉक्टर्स की फीडबैक, जो वेरी फ्रेंकली मेरे पिछले 5-7 साल के क्लाइंट्स थे, तो समटाइम ना क्लाइंट्स गिव्स यू वेरी गुड फीडबैक। जो हमारे पास काफी क्लाइंट है जो खुद बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो बताते थे, इस समय क्लाइंट है जो तकरीबन यूपी के सभी कॉलेज को जानते हैं, और जो मेरी लास्ट ईयर की यूपी की प्रायोरिटी लिस्ट थी उन्होंने थोड़ी सी उसमें चेंज करा दी कि नहीं विवेक अब ये दो कॉलेज है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो डायरेक्टर्स हैं प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी पहचान के हैं, वो 2 साल पहले 1 साल पहले ज्वाइन किए हैं और वो लोग बहुत अच्छा काम ही करवाएंगे क्योंकि दे आर वेरी सिंसियर पीपल। तो हमें इस तरह की फीडबैक मिलती है विच वी रिफाइन फॉर अवर ऑल इंडिया लिस्ट एज वेल एज स्टेट बाय स्टेट लिस्ट। अब जिस स्टेट में देखो 4-5 ही कॉलेज है वहां तो क्या दिमाग लगाओगे, बट यूपी जैसे स्टेट में भी प्राइवेट में भी ये दिमाग लगाना पड़ता है कौन सा ऊपर भरे कौन सा नीचे भरे। तो सोच समझ के प्रायोरिटी लिस्ट भरिया कीजिए, अल्फाबेट ऑर्डर में मत भरिए, अपने घर के आसपास के स्टेट्स को मत देखिए, ये भी हो सकता है कि अब वो थोड़ा दूर का कॉलेज बेटर हो आपके लिए, राइट। और आप हमसे एंगेज होना चाहते हैं तो यू नो अवर नंबर 9643362320। जो गवर्नमेंट के बच्चे भी हैं वो हमारा पैकेज ले सकते हैं, फॉर गवर्नमेंट वी हैव अ वेरी नॉमिनल पैकेज ऑफ 25,000 रुपए जिसमें हम लिस्ट भी आपको देते हैं प्लस डेफिनेटली काउंसलिंग स्ट्रेटजी में तो हेल्प करते ही हैं कि ऑल इंडिया कोटा वर्सेज योर ओन स्टेट आपको कब कैसे कहाँ कौन से सीट लेके फ्रीज करना चाहिए, और फिर जितना भी जो ऑपरेशनल काम होंगे आपके सीट पहुंचने तक हॉस्टल लेते हैं। मुझे एक क्लाइंट ने बहुत अच्छा वर्ड बोला कि सर हमें आपका सहयोग चाहिए जब तक मेरा बच्चा हॉस्टल में अपना बैग ना रख ले, और वो किसी रेफरेंस से हैं, तो बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करते हैं तब तक जब तक कि बच्चा हॉस्टल में पहुंच के अपना बैग हॉस्टल में ना रख ले, विच मीन सीट को कैसे लेना है, वहां पर रिपोर्ट कैसे करना है, उन सब में हम आपके लिए हमेशा मौजूद है, खड़े हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस चॉइस फिलिंग कर दी हमारा काम खत्म हो गया या 2 WhatsApp कर दिए हमारा काम खत्म हो गया, तभी हम मैं बार बार कहता हूँ सिलेक्टेड क्लाइंट्स लेते हैं, कम क्लाइंट्स लेते हूँ, सब क्लाइंट से मैं खुद डील करता हूँ ताकि आपके सुबह शाम के कंसर्न्स का जवाब दे सकूँ, खुल के डिस्कस कर सकें, जितनी मर्जी बार डिस्कस कर सकें विद इन द रीजनेबल टाइम फ्रेम। और ये बस सीट मिलने के बाद का भी जो प्रोसेस होता है, यूपी में जब हम राउंड 1 के लिए जाते हैं इवन फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो जो नोडल सेंटर में जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए, वो भी पूरी प्रोसेस है। और कई क्लाइंट्स हमसे आधा घंटा बात करते हैं कि वहां पर जाके क्या, कुछ क्लाइंट वहां जाके फोन कर रहे होते हैं थैंक यू सर आपने सारे कागज देकर ही हमें भेजा था वरना यहाँ बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। अब दिल्ली के बच्चे अक्सर कासना में जाते हैं, उसके आसपास कोई फोटो स्टेट की दुकान भी नहीं है, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अगर आप 2 कागज भी कम ले गए।
सो ऑल दीज थिंग्स वी आर हियर टू हेल्प यू। जो भी हमारे पेड क्लाइंट्स हैं उनको हम ये मदद करते हैं, साथ में वो क्वालिटी की लिस्ट भी देते हैं, एक्सेल बना रखी है हमने, और एक्सेल को देखते ही आपको लगेगा कि जो आपने हमें फी दी है इट इज वर्थ। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड नाउ द रियल एक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट। और चाहे स्टेट्स ने रजिस्ट्रेशन पहले करा लिया लेकिन काउंसलिंग की प्रोसेस तो एमसीसी काउंसलिंग के बाद ही शुरू होने वाली है, तो देखते हैं आने वाले 2 महीने बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड आई ऑलवेज से कि मे द बेस्ट पर्सन गेट द बेस्ट सीट। हैव ए नाइस डे। वंस अगेन 9643362320 पे कॉल करके आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग ले सकते हैं। नमस्कार।